हेलो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ वैक्सीनेशन के लिए, तो चलिए आपको वहीं मिलते हैं। तो देखिएगा, मैं आ गई हूँ यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए, और वैक्सीन लगवाना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कोरोना की जो हालत हो रखी है। और अगर हमें अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को सेफ रखना है, तो वैक्सीनेशन के लिए जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन ही है जो हमारी सुरक्षा कर सकती है। तो देखिएगा यहाँ पर किस तरीके की भीड़ लगी हुई है, और बहुत लंबी लाइन लगी है, और यहाँ पे डिस्टेंस का पालन हो रहा है, क्योंकि काफ़ी स्पेस के साथ लोग खड़े हुए हैं। लेकिन गाइस, जो धूप थी उस टाइम पर, उसने हालत ख़राब कर रखी हुई थी बहुत ही ज़्यादा। और देखिएगा, हम भी खड़े हुए हैं यहाँ पर और अपना नंबर आने का वेट कर रहे हैं। और देखिएगा, वो मेरे हस्बैंड खड़े हैं जो पुलिस वाले से खड़े खड़े बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे साथ आए थे और नेक्स्ट डे उनको लगनी थी। तो और देखिएगा आप, यहाँ पर जो धूप हो रखी है ना, उससे बहुत लोगों की हालत ख़राब थी। तब तो ये लग रहा था कि कोरोना से कुछ हो ना हो, लेकिन इस लंबी लाइन से लोगों की हालत ख़राब होने वाली है। और देखिएगा, बहुत लंबी लाइन है, अभी तो हम बहुत पीछे लगे हुए हैं, आप देखेंगे ये लाइन काफ़ी लंबी है। और देखिए, लाइन थोड़ी थोड़ी आगे बढ़कर हम लोग यहाँ आ गए हैं, और अब वो आपको जगह दिख रही है ना सामने, वहीं पर वैक्सीन लगाई जा रही है, और सभी लोग वेट कर रहे हैं। और धूप बहुत तेज़ थी, इसलिए हम इधर साइड से बैठ गए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो देखिएगा, मेरे हस्बैंड भी किसी से बातें कर रहे हैं, तो बस वेट कर रहे हैं अपना नंबर आने का। और बिलीव मी गाइस, यहाँ पर जो हमने देखा और जो हुआ, सच में मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। और ये बोलूँगी मैं कि वैक्सीन के लिए कोई भी लापरवाही ना दिखाएं आप लोग, और ज़रूर जाएं, क्योंकि एक ही अभी एक वो है कि जो हमें सुरक्षित रख सकती है। और आपने देखा है इस कोरोना में जो हालत हुई है, जितने कितने तो घर बर्बाद हो गए हैं। सच में गाइस, मैंने खुद देखा है अपनी आँखों से यहाँ लोगों की जो हालत हुई है। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान वो वक्त दोबारा किसी की ज़िंदगी में ना लाए जो ये अप्रैल से लेके 15 मई तक जो कंडीशन हुई है लोगों की। तो देखिएगा, अब हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं, और अभी हमारे वैक्सीन, अभी हम लोग मतलब नंबर बस आने ही वाला है, क्योंकि एक साथ में ना 15-15 लोग अंदर एंट्री कर रहे थे। और ये हमारी वैक्सीन लग चुकी है, और हम यहाँ अंदर आके बैठे हुए हैं। और ये देखिएगा, ये कॉटन लगी हुई है, यहीं पे इंजेक्शन लगा हुआ है। और पता है गाइज़ यहाँ पे क्या हुआ, और ये वहाँ पे एक कार्ड भी मिलता है, जब हमारे वैक्सीन लग जाती है तो ये हमें वहाँ पे कार्ड दिया जाता है। और यहाँ पे जो हुआ है, पता क्या होता है, लेडीज़ क्या हुआ, तुरंत वैक्सीन लगवाई और बस चलने लगते हैं घर की तरफ, जबकि वहाँ पे डॉक्टर भी बोलते हैं, और वहाँ पे जो क्या होमगार्ड वगैरह बैठे रहते हैं वो भी बोलते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद तुरंत घर नहीं जाना चाहिए, कम से कम 15 या 20 मिनट आप वहाँ पर वेट करें। और देखिएगा, जिन जिन के वैक्सीनेशन लग रही है वो सब यहाँ बैठ रहे हैं। और सच में बिलीव मी गाइस, यहाँ पर जो एक लेडीज़ थी, तो वो इंजेक्शन लगवाने के बाद बोल, ठीक है मेरे को अच्छा फील हो रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो वो बाहर निकल गई। उसको बोला भी था कि ना जाओ, तो बाहर जाते ही बाइक पे बैठ गई, और जैसे ही बाइक पे बैठी, उसको जो चक्कर आए हैं ना, सच में यार वो गिर गई, इतनी तेज़ की चोट लग गई। तो प्लीज़ इतनी जल्दबाजी ना करें, अगर आप इतना वेट कर सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो फिर आप इतना भी वेट कर सकते हैं कि आप वहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो आप 15 मिनट वहाँ पे वेट करके देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा फील हो रहा है फिर ही आप अपने घर जाइए। तो देखिए, जिस जिसके वैक्सीन लगती जा रही है, तो वो इस रूम में वेट कर रहे हैं, और काफ़ी नीट एंड क्लीन रूम था। और आप जिस भी चेयर पर बैठिएगा, प्लीज़ प्रॉपरली उसको सैनिटाइज़ कीजिएगा, और जब आप सैनिटाइज़ कर लीजिए फिर ही आप बैठिए, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि उससे पहले कितने लोग उस चेयर पर बैठे हुए हैं। और देखिए, यहाँ भी डिस्टेंस के साथ ही लोग बैठे हुए हैं,
और हम भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमने कम से कम 15 या 20 मिनट वेट किया और वैक्सीनेशन से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये होता है वो होता है, लेकिन हमारे साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमें ना फीवर रहा है और ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो आप प्लीज़ बेझिझक होके वैक्सीनेशन के लिए जाइएगा। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने ही वैक्सीन लगवा ली है और सेकंड डोज जो हमारी है वो 1 मंथ के बाद लगेगी। और अभी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सब बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी राय होती है, तो प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिएगा, वैक्सीनेशन पे ध्यान दीजिएगा। जो कि आपको ये है कि हमें लगवानी ही लगवानी है, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, बाय बाय।